नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन में वैकेंसीज देखने को मिलेगा इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, टोटल वैकेंसीज के साथ साथ क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड सैलरी क्या होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट्स एज वेल एज क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले जो है सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज को रिलीज किया गया है वो एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि जियोग्राफी हो गया, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बॉटनी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पे 14 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। अब देखिए, आप जो भी डिपार्टमेंट या फिर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। वैसे तो जो जनरल क्वालिफिकेशन होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन वही यहाँ पे रखा गया है, यानी कि मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड उसके साथ आपका पीएचडी मतलब क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने नेट स्लेट सेट मतलब क्लियर नहीं किया है, कोई भी एग्जाम अगर आपने क्लियर नहीं किया है, देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपका जो है मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, रिलेवेंट सब्जेक्ट, वो यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सैलरी पर। तो सैलरी देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ही कम सैलरी यहाँ पे रखा गया है। 25,000 रुपए प्रति महीना आपको मिलने वाला है। हालांकि ये टेम्पररी पोजीशन है, बट ये पीएचडी यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है मास्टर्स डिग्री के साथ। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो पीएचडी चाहिए, एंड पीएचडी में बहुत ही मतलब एक हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है पीएचडी, एंड उसके बाद 25,000 रुपए प्रति महीना फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन, ये मुझे मतलब सही नहीं लग रहा है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो आसपास के एरिया में रहते हैं एंड जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है एंड अभी फिलहाल जॉब भी नहीं कर रहे हैं, तो घर पे बैठने से बेटर है कि आप जाके जो है आप इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड अगर सिलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आप बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। वैसे भी ये टेम्पररी पोजिशन है, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा अच्छा खासा, नहीं तो ये जो सैलरी है बहुत ही कम सैलरी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए 500 रुपए आपको पे करना होगा वो जिस दिन आपका इंटरव्यू है, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है वॉक इन इंटरव्यू के लिए है, कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, रिटन एग्जाम आपको सीधे जाके इंटरव्यू में अटेंड करना है। तो इंटरव्यू जिस दिन है उस दिन जाके आपको यूनिवर्सिटी का ऑफिस में जो है एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज पे करना होगा, एंड वो जो रिसिप्ट कॉपी देंगे यानी कि रसीद देंगे उसको आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको फिल करके अपने साथ में लेके जाना है, उसके साथ अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जमा करना है। ठीक है, अब अगर मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फीस के साथ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। ओके, जैसे कि मैंने बताया ये अस्थाई मतलब रिक्रूटमेंट है यानी कि टेम्पररी रिक्रूटमेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो है 25 जुलाई को होने वाला है, यानी कि 25 जुलाई आपका सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, एंड आपको जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में जो है आपका आपको मतलब पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम उससे पहले ही कर लेना है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है, आपके लिए अपने जो है खुद के खर्चा से आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। वैसे तो मतलब देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट से यहाँ पे वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, बट सैलरी में थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रहा है। बाकी यहाँ पे आप लोग जो है अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट पर। तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है 3 पेजेस का है। पहले जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह एंड कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स देना है, यानी कि आपका नाम जहाँ पे कैपिटल लेटर मेंशन कर दिया गया है वहां पे आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ओके, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल्स अगर आपने कोई भी कहीं से भी एक्सपीरियंस किया है, एंड देन पब्लिकेशन जो आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किया जाता है, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री में जो लास्ट सेमेस्टर में डिसर्टेशन वगैरह होता है वहां पे भी थीसिस होता है तो वो भी अगर आपने पब्लिश किया है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई भी बुक्स में आप ऑथर हैं तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि हल्द्वानी नैनीताल में है। ठीक है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। तो ये है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको आना है अनाउंसमेंट में। यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जब क्लिक करेंगे दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको
फॉर्म डाउनलोड करने के लिए भी लिंक मिल जाएगा, एज वेल एज डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका जो भी डाउट्स है वो 100% क्लियर करने के लिए। एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को ही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।